गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद सरोजनी नगर वीडियो। एंड मैं भी सरोजनी नगर की वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एक्चुअली मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था खुद के लिए एंड वीडियोज़ के लिए। बट नाउ आई एम बैक टू माई वर्क और मैंने सोचा सबसे पहले शॉपिंग कर लिया जाए। सो आई थिंक वन वीक पहले ही मैंने सरोजनी नगर मार्केट विजिट किया था एंड वहाँ पर मेरे को पहले जैसा कुछ रौनक नहीं दिखा। लाइक पहले जो सरोजनी नगर की एक वाइब थी ना, वो बिल्कुल ही मेरे को गायब लग रही थी। बिल्कुल वैसा क्राउड नहीं था, कुछ खास न्यू कलेक्शन मेरे को पसंद नहीं आया वहाँ पे। मे भी कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद आ जाए, बट पहले जैसी बात वहाँ पे मेरे को नहीं दिख रही थी। एंड मैं आगे आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स भी शेयर करूंगी सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि अभी मार्केट किस तरह का है दिखने को। बट फिर भी मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ली है जो कि मैं आप लोगों के साथ आज के इस हॉल में शेयर करूंगी। एंड आई होप कि आप लोग को मेरा आज का सरोजनी नगर का ये ट्राई एंड हॉल पसंद आए। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट येट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो वेलकम, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट आइटम से, जो कि है ये क्यूट सा एक लाइलैक एंड लेवेंडर कलर का एक टॉप। जस्ट लुक एट द शेड, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का है ये। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, एक कैमी सॉर्ट ऑफ टॉप है। ये थोड़ा सा थिक मटेरियल है तो मे बी यू नो इसमें थोड़ा सा गर्मी लग सकता है, बट आई कैन वेयर इट इन समर एंड विंटर एज वेल। सो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इसका बैक कुछ इस तरह का है। आई रियली रियली लाइक द मटेरियल एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड सेक्सी लग रहा था मैंने इसको जब पहना था। ये सामने से कुछ इस तरह का बटन है एंड यहाँ पे बटन होने के बाद यहाँ पे एक स्लिट कट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सेक्सी सा लुक दे रहा था एंड आई रियली रियली लव इट। एंड ऊपर से लाइलैक कलर है तो किसको पसंद नहीं आएगा। आई थिंक लाइलैक कलर कुछ टाइम से सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यू नो ट्रेंड पे है, तो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये मैंने शॉप नंबर 197 से लिया था। शॉप नंबर 197 बहुत ही ज़्यादा फेमस यू नो शॉप है इन द मार्केट, जो कि काफ़ी बड़ा सा शॉप है जहाँ पे यू विल गेट एवरी थिंग। लाइक आपको जो चाहिए हर एक चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस भी है। शॉप नंबर 197 जो ग्रफिटी लेन है, ग्रफिटी लेन तो अब बिल्कुल लगता ही नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल खाली एम्प्टी एरिया है। तो उसी के सामने से आप जब एंटर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा केव जैसा गुफा टाइप का एक शॉप आएगा, वो है शॉप नंबर 197। वहाँ से मैंने ये लिया था। ये मेरे को 150 बताया था, बट मैंने बार्गेन करके 100 रुपीज में लिया था। सो ये कुछ इस तरह का है। आई रियली लव इट। नेक्स्ट जो टॉप है वो है ये टॉप एंड ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। मेरे को इस तरह की न्यूट्रल शेड्स वाले टॉप्स एंड टीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। ये आई थिंक मैंने 50 या 80 रुपीज़ का जो भी छोटा छोटा थड़ी होता है ना, उसमें सेल लगे रहते हैं, मैंने वहाँ पे चेकआउट किया था एंड आई फाउंड दिस फ्रेश पीस। इसमें यू नो लुईस विटन का जो प्रिंट होता है ब्रांड का, वो भी इसमें डिटेलिंग किया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एंड ये क्रॉप टॉप है, सो मैं इसको यू नो एज अ वर्क मोड में या कभी भी कैजुअल अगर मेरे को कुछ वेयर करना है तो मैं इस टॉप को इजिली स्टाइल कर सकती हूँ। पहनने के बाद बहुत ही अच्छा फिटिंग दे रहा था एंड आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 50 और 80 रुपीज़। जो भी आप लोगों को मैं आगे क्लिप शेयर कर दूंगी मैंने कहाँ से लिया था। सो आप लोगों को यू नो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे 50, 80, 60 रुपीज़ के थड़ीज़ मिल जाएंगे सेल में, सो आप डेफिनेटली उन सबको चेक करें। वहाँ पे मोस्टली यू नो कुछ यू नो बेकार चीज़ें ही होती है, बट आप चेक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको कुछ फ्रेश और न्यू कलेक्शन भी मिल जाते हैं। तो मेरे को वहाँ से ये आई थिंक 50 रुपीज़ में मिला। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये शर्ट। आई डोंट नो ये कैमरे पे किस तरह का कलर कैच कर रहा है, बट इन रियल ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा टील ग्रीनिश ब्लू कलर का शेड है, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। एंड ये कुछ इस तरह का शर्ट है जो कि मैंने 50 रुपीज़ में लिया है एंड मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इसका कलर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। आई डोंट नो ये कैमरे पे किस तरह का कलर पिक कर रहा है, बट आई रियली लव द कलर। बहुत ही ज़्यादा डस्टी काइंड ऑफ ग्रीनिश ब्लू कलर है एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड इसमें बस एक डिफेक्टिव पीस है ये स्लीव में थोड़ा सा, बट या मैं उसको मैनेज कर लूँगी। मैं स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके पहन सकती हूँ। मैंने स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इसके जैकेट प्रिंट और यू नो इस तरह के कलर के लिए मैंने लिया था। वहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स भी थे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। आप यू नो फ्लेयर डेनिम्स के साथ या फिर शॉर्ट्स के साथ आप उन स्टाइल कर सकते हैं उन शर्ट्स को। ओवरसाइज जो शर्ट्स होते हैं जैकेट में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। मैंने वो भी देखे थे बट मेरे को नहीं चाहिए था, बट मेरे को ये वाला शर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो आई पिक दिस फॉर आई थिंक 50 रुपीज़, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड वन मोर थिंग, इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा ठीक है, सो मैं इसको विंटर पे भी आई थिंक वेयर कर सकती हूँ लेयरिंग करके।
सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट. तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक वन पीस. इट्स अ ड्रेस एंड इट्स इन द लाइक टाइगर और लेपर्ड प्रिंट पर यू कैन कॉल इट. सो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था. ये मैंने शॉप नंबर 136 से लिया था एंड इसका मटेरियल इट वॉज सो अमेजिंग. इट्स अ जॉर्जेट मटेरियल सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इसका शेप भी जस्ट लुक एट द नेक लाइन एंड इसके बैक साइड पे यहाँ पे यू नो इस तरह का जिप है सो दैट ईजिली आप इसको वेयर कर सकते हैं. एंड ये बहुत ही अच्छी तरह से यू नो मेरे बॉडी को मेरे फिगर को अच्छी तरह से स्नैच कर रहा था क्योंकि इसमें यू नो इस तरह का इलास्टिक वाला डिटेलिंग किया हुआ है. बहुत ही अच्छी तरह से स्नैच कर रहा था. इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो इसमें आपको साइजेस वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी. मैंने जो साइज लिया है वो है स्मॉल एंड इसमें लिखा हुआ ओनली ब्रांड का. आई डोंट नो इट्स अ रियल टैग और जस्ट अ यू नो रेप्लिका टैग. सो इस तरह के ड्रेसेस मैंने अर्बेनिक पे भी देखे थे एंड वो मेरे को थोड़े से कॉस्टली लग रहे थे बट आई गॉट दिस फॉर जस्ट 650 rupees एंड आई थिंक 650 rupees में काफ़ी अच्छा क्वालिटी में मेरे को काफ़ी ट्रेंडी ड्रेस मिल गया है. मैंने लिया कुछ बॉटम वेयर जिसमें आता है सबसे पहला ये डेनिम का एक शॉर्ट जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था. सो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था. बेसिकली मेरे को ये चाहिए था इस तरह का कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट वाला डेनिम शॉर्ट. तो मेरे बॉयफ्रेंड ने ये देखा तो बोला कि अगर देखो अच्छा लगे तो आई थिंक यू शुड ट्राई इट. एंड ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सेक्सी भी लग रहा था एंड ये अच्छी तरह से मेरे को फिट हुआ है एकदम वेस्ट से लेकर थाइस तक. बहुत ही अच्छी तरह से मेरे यू नो वेस्ट को स्नैच कर रहा था. आई रियली लव द फिटिंग एंड उन्होंने इसका प्राइस 50 बताया था बट आफ्टर बार्गेन आई गॉट दिस फॉर 150 rupees. 100 rupees का डिस्काउंट मिला और क्या चाहिए. और उसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. ये मैंने लिया है जो HDFC ATM है वहाँ पे बाहर दो तीन इस तरह की यू नो डेनिम के स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे. डेनिम शॉर्ट्स के, डेनिम स्कर्ट्स के, डेनिम पैंट्स के. तो वहाँ पे यू विल गेट लॉट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेनिम. बट मेरे को इस तरह का डेनिम पैंट लाइक इस शेड में काफ़ी टाइम से चाहिए था. लाइक H&M में मैंने ऑलरेडी लेके रखा है बट सरोजिनी नगर के डेनिम्स आई डोंट नो मेरे को अलग ही तरह का उनसे प्यार है क्योंकि वहाँ पे मेरे को परफेक्ट फिटिंग मेरा इजीली मिल जाता है हमेशा. तो शॉप नंबर 197 अगेन जो केव वाला शॉप है वहाँ से ही मैंने लिया है. मोस्ट ऑफ द मेरे डेनिम पैंट्स अगर मैं सरोजिनी से अगर परचेज करती हूँ कभी तो मैं उसी शॉप से परचेज करती हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे परफेक्ट फिटिंग के डेनिम्स मेरे को ईजिली मिल जाते हैं. सो मैंने वहाँ से लिया है और ये 28 साइज में है वेस्ट. तो ये काफ़ी ज़्यादा सुपर सुपर हाई वेस्टेड है. लाइक जस्ट लुक एट दिस एरिया. इट्स अ सुपर सुपर हाई वेस्टेड डेनिम पैंट और ये बिल्कुल ही परफेक्टली मेरे वेस्ट को मेरे थाइस को स्नैच कर रहा था. बहुत अच्छा फिटिंग है एंड नीचे से थोड़ा सा ये इस तरह का फ्लेयर है और यहाँ पे कट है बैक और फ्रंट से जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था ये वाला. एंड इसकी फिटिंग मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी. उन लोगों ने भी आई थिंक प्राइस थोड़ा बढ़ा दी है. पहले वो लोग 200 rupees चार्ज कर देते डेनिम के तो आप यू नो उसको 150 तक में ले सकते थे बट अभी उन लोगों ने 350-400 चार्ज कर दिया है पर डेनिम का. तो आई थिंक वो भी उनका स्ट्रेटेजी है एंड आई थिंक दैट्स कूल क्योंकि कोविड के बाद से थोड़ा सा यू नो चीज़ों को चेंज करना, थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो रहे हैं तो आई थिंक ठीक है. सो उन्होंने 400 चार्ज कर दिया है तो आप बार्गेनिंग कराकर यू नो 200 या फिर 250-300 तक ले सकते हैं अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो. सो मेरे को ये डेनिम पैंट 250 rupees में मिला है जिसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. मैंने 250 rupees में इसको लिया. मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं लगा कि मेरे को 250 में ये पैंट लेना है. सो मेरे को कम कराना चाहिए और नहीं आई थिंक 250 rupees में इट्स अ गुड थिंग. आई गॉट अ गुड पीस. सो ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइक क्लोथिंग वेयर में इसके बाद कुछ एक्सेसरीज भी है जो कि मैंने इस बार ली है मार्केट से. बट क्लोथिंग आइटम में मैंने दो लिए हैं इस तरह के शॉर्ट्स घर पे यू नो जस्ट नाइट वेयर के लिए एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ये वाले शॉर्ट्स. काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है ये सो मेरे को बिल्कुल ही यू नो कम्फी वाले शॉर्ट्स चाहिए थे. सो मैंने ये दो लिए हैं लाइक इट्स इन द ग्रे शेड और इट्स इन द बार्बी पिंक कलर. सो मैंने ये दो पीसेस लिए हैं जो कि मेरे को 100 rupees ईच पड़ा. वहाँ पे 100 rupees का यू नो 30 था. वहाँ पे कोई डिस्काउंट या फिर बार्गेनिंग आप नहीं कर सकते थे. सो फिक्स प्राइस था. वहाँ से मैंने 200 में ये दो शॉर्ट्स लिए जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा कम्फी है. सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द एक्सेसरी पार्ट. तो उसमें मैंने इस बार ली है कुछ शेड्स इस तरह की और इस तरह के शेड्स काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड पे हैं. सो आई थिंक आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको भी लेने का बहुत मन करेगा. सो ये वाले शेड्स मेरे को काफ़ी टाइम से लेने थे और फाइनली आई गॉट इट. लाइक दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इट्स इन द प्रॉपर ब्लैक शेड लाइक फ्रेम एंड ग्लासेस प्रॉपर ब्लैक शेड में है और इसमें यू नो आपको कलर ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे. मैंने रेड कलर में देखा था, येलो था एंड वाइट फ्रेम में भी था. अभी वाइट फ्रेम में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है बट वाइट फ्रेम मेरे फेस पे उतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था तो मैंने स्किप किया. बट दिस ब्लैक शेड लुक्स
सो ओ ई जी जी लाइक जस्ट लुक एट इट एंड मैं इसको काफ़ी तरीक़ों से स्टाइल कर सकती हूँ मेरे काफ़ी सारे आउटफिट के साथ. नेक्स्ट जो है वो है ये अगेन सेम काइंड ऑफ अ शेप में ही है फ्रेम बट थोड़ा सा डिफरेंट है इसका शेप एंड इट्स इन द कैरेमल ब्राउन कलर जिसका फ्रेम थोड़ा सा यू नो लेपर्ड प्रिंट में. अगेन दिस सूट्स मी सो वेल एंड ये बिल्कुल प्रू वाला फीलिंग दे रहा है मेरे को. आज मैंने कुछ आउटफिट भी वैसा ही पहना है. सो दिस इज़ द नेक्स्ट शेड एंड उन्होंने इसका प्राइस अराउंड 350 बताया था बट बार्गेन करा के आई थिंक मैंने इसको 150 में लिया था आई थिंक सो या 150 रुपीज़ में लिया था क्योंकि मैंने तीन फ्रेम्स लिए थे. द लास्ट फ्रेम दिस इज़ फॉर माई बॉयफ्रेंड एंड ही गॉट दिस पीस फॉर हिम बट मैंने अभी आपको दिखाने के लिए रखा था कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है. आई डोंट नो व्हाई क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा छोटा है बट आई थिंक फिर भी ठीक ही लग रहा है एंड उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा था. सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट और तीन शेड्स हमने लिए थे अराउंड आई थिंक वही 300 या फिर 400 रुपीज़ में हमने तीनों शेड्स लिए थे. और ये हमने लिया था जो बिक्सी है बिक्सी से पहले दो शेड्स लाइक दो शॉप पहले एक शॉप पड़ता है वहीं पे ये शेड्स लिए थे. मैंने लिया है ये बैग. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इट्स अ वेरी यू नो मोनोक्रोमेटिक वाला इसमें शेड है. इट्स नॉट अ प्रॉपर सिल्वर इट्स नॉट प्रॉपर कॉपर ना ही गोल्डन है. इसमें सारे शेड मिक्सअप है. आई डोंट नो ये कैमरे पे कैसे कैच कर रहा है बट ये कुछ इस तरह का है. लाइक ये मैंने तो छोटा करके रखा है बट ये यू नो इस तरह से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं लाइक दिस स्लिंग काइंड ऑफ. सो मेरे को इस तरह का शेड चाहिए था मेरे बर्थडे के लिए बिकॉज माई बर्थडे इज़ कमिंग एंड मेरे आउटफिट के साथ मेरे को कुछ इस तरह का ही बैग चाहिए था. मैंने ऑनलाइन बहुत चेक किया बट मेरे को इस शेड में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिल रहा था. इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे मार्केट्स ढूंढने मेरे को कहीं पर भी ऐसा शेड नहीं मिल रहा था. एंड सरोजी नगर में तीन चार शॉप ढूंढने के बाद मेरे को लास्ट में एक शॉप में मिला. वहाँ पर यू नो 350 का सेल था बट काफ़ी ज़्यादा बार्गेन करने के बाद लाइक सारे कस्टमर चले गए. मैंने काफ़ी वेट किया कि यू नो थोड़ा सा शॉप खाली हो जाए तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बार्गेन किया एंड आई गॉट इट फॉर 200 रुपीज़. लास्ट उन्होंने मेरे को 200 में ही दिया था जबकि वो सेल पे था लाइक फिक्स प्राइस था 350 एंड मेरे को 200 रुपीज़ में मिला. और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस. काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है एंड ये कुछ अंदर से इस तरह का स्पेस है इसमें. सो इसके अंदर कुछ चीज़ें भरी हुई है जस्ट इग्नोर इट. सो इसका स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और मेरे को इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है. सो दिस. सो नेक्स्ट मैंने वहाँ से कुछ इयर रिंग्स ली है. सो जो सबसे पहला इयर रिंग है वो है ये इयर रिंग. इट्स अ होप बट थोड़ा डिफरेंट सा होप है. लाइक अगर मैं इसको पहनूंगी तो ये इस तरह का कुछ आएगा. ये जो पर्ल बॉल है ये बैक साइड में रहेगा इस तरह से एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था मेरे को. ये मेरे को 30 रुपीज़ के सेल में मिला था. आप अगर मार्केट में जाएंगे आपको 30 एंड 50 रुपीज़ वाला ये नो इयर रिंग का काफ़ी सारा स्टॉल आपको मार्केट में देखने को मिलेगा. सो मैंने 30 रुपीज़ वाले स्टॉल में से ये लिया था. और नेक्स्ट उसी वाले स्टॉल में से मैंने ये बड़े वाले गोल्डन होप्स लिए हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. दैट्स हाउ इट लुक्स. सो इस तरह के कुछ है एंड ये स्टेनलेस स्टील के हैं. इनकी पॉलिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इट्स नॉट अ प्रॉपर गोल्डन गोल्डन नॉट सो रोज गोल्ड. इट्स समथिंग इन काइंड ऑफ अ बिटवीन वाला शेड जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ. और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इसके पर्ल बहुत ज़्यादा शाइनी है. जस्ट लुक एट इट. दैट्स हाउ इट लुक्स. सो अगेन ये मेरे को 30 रुपीज़ के पड़े थे एंड ये वाले होप्स मेरे को 50 रुपीज़ के पड़े थे. वेल गाइस लास्ट जो मैंने इयर रिंग लिया है वो है ये वाले इयर रिंग. आई रियली रियली लव दैम अलॉट. मेरे को इस तरह का कुछ इयर रिंग चाहिए था क्रिस्टल स्टोन में मेरे बर्थडे के लिए. अगेन मेरे बर्थडे के लिए मैंने काफ़ी सारे जगह में ढूंढे बट काफ़ी ज़्यादा यू नो बड़े बड़े से इयर रिंग्स थे और कुछ जगह पे कुछ बट ये वाले जो साइज़ है ना और इस तरह के शाइन में दिस इज़ परफेक्ट लाइक विच आई वॉन्ट फॉर माई आउटफिट. सो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है और ये कुछ इस तरह के है. जस्ट ये बिल्कुल सिंपल से है. अगर मैं इसको वेयर करूँगी तो कुछ इस तरह का लगेगा. आई रियली रियली लव दैट एंड ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में मिला है. सो अगेन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ छोटे छोटे चीज़ें सरोजिनी नगर मार्केट में ईजिली. सो नेक्स्ट मैंने लिया है एक इस तरह का पेंडेंट. ये अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है इस तरह की चीज़ें. सो ये बटरफ्लाई वाला है. सो या दैट्स हाउ इट लुक्स. इट्स इन द पिंक कलर. सो अगेन मैं बहुत सारी चीज़ें यू नो इस तरह से यू नो डिस्क्लोज कर रही हूँ. अगेन ये मेरे बर्थडे के लिए मैंने सोचा है. मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं. नेक्स्ट जो मैंने चेन लिया है वो है ये. दिस इज अ ईविल आई वाला पेंडेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है. सो मैंने दो ऑप्शन ऑलरेडी लेके रखे थे. जो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा वो मैं रखूँगी क्योंकि मेरा ड्रेस पिंक कलर का है. सो अगर ये अच्छा लगेगा तो ये रखूँगी. और ये लाइक
बट आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो जो भी है, बहुत सारी चीज़ें अभी नई नई वीडियोज़ आने वाली है, तो उसके लिए मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यूसली सारी चीज़ें पोस्ट करने वाली हूँ मेरे चैनल पर. और या दैट्स द थिंग, दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने वहाँ से लिया है. इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइक दैट्स हाउ इट लुक्स. इट्स अ प्रॉपर यू नो ईगल आई वाला थिंग, और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइक इट्स अ मार्बल वाला मटेरियल, एंड इसकी शाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. बाय द वे चेन की, जस्ट लुक एट इट, दैट्स हाउ इट लुक्स. इट्स नॉट अ सिल्वर कलर. वहाँ पे बस एक ही चीज़ का दिक्कत हो गया था, मेरे को चेन जो चाहिए था वो सिल्वर कलर में चाहिए था, और वहाँ पे यू नो उन्होंने कुछ इस तरह का शटर लगा के रखा था ऊपर से, जिसमें मेरे को ये सिल्वर लग रहा था, बट इट्स इन दी शेड रोज गोल्ड, तो मेरे को ये कुछ उतना पसंद नहीं आया. बट मैं इसका पेंडेंट यूज़ कर सकती हूँ किसी और चेन के साथ. सो वेल या गाइस, दैट्स ऑल आई गॉट फ्रॉम सरोजिनी नगर मार्केट. एंड मेरे को इस बार मार्केट में कुछ न्यू कलेक्शन उतना खास देखने को नहीं मिला. जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने सिर्फ वही ली इस बार, और मेरे को सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है. आप लोगों को कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छा लगे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए. और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ नए नए कंटेंट शेयर करने वाली हूँ उसके लिए भी. तो मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियो में नए तरीके के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.